नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। दिल्ली के शाहीन बाग में लगातार पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी और मीडिया के खबरों के माध्यम से बताया जा रहा है कि वहां पर अनशनकारी जो बैठे हुए हैं उन्हें 500 रुपए की दिहाड़ी देकर के बुलाया गया है। साथ ही साथ ऐसे आरोप लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष पर लगते रहते हैं कि उनकी रैलियों में आने वाले लोगों को पैसा मुहैया करा करके, दिहाड़ी उपलब्ध करा करके भीड़ बढ़ाने के लिए बुलाया जाता है। अब एक ऐसा ही ताजा मामला भारतीय जनता पार्टी को लेकर के किया जा रहा है। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून में आयोजित अमित शाह की रैली में लोगों को 500 रुपए की दिहाड़ी दे करके बुलाया गया था, जैसा कि वीडियो में देखने से पता चलता है। और इससे यह बात स्पष्ट होती है कि बात चाहे शाहीन बाग की हो या फिर बीजेपी के द्वारा आयोजित नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में रैली की या फिर किसी अन्य पार्टी के द्वारा आयोजित की जाने वाली रैलियों की, भीड़ में आने वाला एक तबका आयातित दर्जे का होता है, अर्थात जिसके लिए पार्टी नेताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा गरीब मजदूरों को 500 रुपए या 250 रुपए की दिहाड़ी देकर के बुलाया जाता है, जिससे कि रैलियों में भीड़ कम ना होने पाए। वहीं आपको बता दें कि इस तरह से एक बात साबित और होती है, रैलियों में दिहाड़ी लेकर आए लोगों का ना तो पक्ष से कोई संबंध होता है ना ही विपक्ष से। उनके लिए तो महज दो वक्त की रोटियों के लिए अगर दिहाड़ी की व्यवस्था हो जाए तो किसी भी रैली में किसी भी नेता के साथ होने को तैयार हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ पिछले दिनों मीडिया रिपोर्ट्स में आपने कई बार देखा होगा कि CAA NRC जैसे कानून के विरोध में जो प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं, या फिर बात करें इन दोनों कानूनों के समर्थन में जो प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं, तो ना तो कानून के समर्थन में प्रदर्शन करने वालों को और ना ही कानून के विरोध में प्रदर्शन करने वालों को CAA और NRC को लेकर के सही तथ्य पता है। बस लोगों के कहने पर, बस कुछ वरिष्ठ नेताओं के कहने पर लोग जुट जाते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं और पार्टियों का साथ देने लगते हैं। तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि किसी भी कानून के प्रति प्रदर्शन करने या उसका समर्थन करने से पूर्व हमें यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि आखिर हम प्रदर्शन किस चीज का कर रहे हैं और उस प्रदर्शन का लाभ किसे हो रहा है, गरीबों को या हमारे देश को या फिर सत्ता की लालची पार्टियां आपके प्रदर्शनों के द्वारा, आपके सहयोग के द्वारा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में मस्त हैं। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। तुम अमित शाह के लिए आयो, अमित शाह के लिए आयो, कौन इसके साथ में आ जाएंगे? नहीं, जो गृहमंत्री है अमित शाह जी, जिनकी तुमने फोटो ली हुई है बीजेपी वाले, उनके लिए आयो ना? अरे पता नहीं भाई, मैं बीजेपी के से ही हूँ और मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं अगर तुम्हें बुलाता हूँ तो तुम कितने पैसे में आओगे, कितने पैसे लोगे? 500 रुपए। कितनी? 500 रुपए दिहाड़ी। आप अमित शाह जी के लिए ही आए हो पर्सनली? जो बीजेपी से आए हैं अमित शाह जी के लिए आए हो? ठीक है, कितने पैसे लेंगे? 500 रुपए। द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।